नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज का एक्सेल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों स्टैटिकल फंक्शन। तो स्टैटिकल फंक्शन क्या होती है दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहीं आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर सीखते हैं स्टैटिकल फंक्शन। मैं एक्सेल पर क्लिक किया और मैं ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक किया और हमारे पास एक्सेल का पेज वर्कशीट मेरे पास खुलकर आ गया। अब यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा वो चीज़ को मैं टाइप कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैटिकल फंक्शन में सबसे पहला ऑप्शन आता है ए माई एन मिनिमम का, दूसरा आता है कॉन्ट, तीसरा मैक्स, चौथा हो गया एवरेज, पांचवा हो गया काउंट इफ। स्टैटिकल फंक्शन में पांच तरह का फंक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें पहला है मिनिमम, काउंट, मैक्स, एवरेज और काउंट इफ। मैं पांच वैल्यू लिया हूँ, कुछ कुछ मैं टाइप किया हूँ। अब इस और मिनिमम का मतलब क्या होता है कि इसमें से इस फंक्शन को उपयोग से क्या बेनिफिट होगा कि इसमें से सबसे कम कौन सा डिजिट है, कौन सा वैल्यू है, जैसे 10 है, 11 है, 12 है, इस तरह से। तो सबसे कौन कौन सा कम है ये हमको जानना है ये फंक्शन से, ठीक है ना, यानी कि एम आई एन फंक्शन से। तो इसका कैसे उपयोग करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और एम आई एन देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे कम जो था हमारे पास कौन सा है, 10। सबसे कम था 10। मैं फिर से बता रहा हूँ, एम आई एन एन ओपन, और यहाँ पर देखेंगे रो रेंज कॉलम रेंज चेक करेंगे तो डी में है, डी वाली लाइन में है तो यहाँ पर डी प्रेस कर देंगे, और यहाँ पर एट वाला में है तो एट प्रेस करेंगे और रेंज लगाएंगे और एच एच लगाएंगे और एट लगाएंगे और इंटर। काउंट से क्या होता है दोस्तों कि आप ये कितना वैल्यू है, मतलब कितनी काउंट में गिनना होता है, और मिनिमम मतलब सबसे कम अंक होता है। तो इसमें से हम देखेंगे कि काउंट में कितना थे, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। अगर यहाँ तक करेंगे तो पाँचे वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस यही डिजिट हम लोग नीचे तक ले लेते हैं। अब काउंट करने के लिए तरीका उसी को अपनाएंगे, SOUNT काउंट, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से यहाँ को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि 5, 1 2 3 4 5 काउंट में गिनना होता है। मैक्स का मतलब होता है सबसे बड़ी अंक, इसमें से कौन सा सबसे बड़ी अंक है, इक्वल टू MX मैक्स ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट,
सबसे बड़ी अंक ये है, एवरेज मतलब इसका औसत निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे, या सेलेक्ट करेंगे एंटर, काउंट इफ से क्या होता है, आप ये जानना चाहते हैं कि 10 अंक से ऊपर कितने और अंक हैं। तो 10 अंक से ऊपर हमारे पास 11 है, 12 है, 30 है, इस तरह से 4 अंक है, 1, 2, 3, 4, तो इसका रिजल्ट 4 आएगा। आप ये जानना चाहते हैं कि 14 से कितने कम है, तो 1, 2, 3, 4, 4 ही आएगा। आप ये जानना चाहते हैं कि 12 से कितने अंक हमारे पास ऊपर है, यानी कि 12 से 13, 14, तो 2 अंक ऊपर है। आप ये जाना चाहते हैं कि 12 से कितने अंक नीचे है, तो 12 के बाद 10, 11, ये दोनों नीचे है, तो इसका काउंट इफ का हम लोग उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे डी डी देंगे, उसके बाद यहाँ पर 12 देंगे, उसके बाद रेंज लगा देंगे, उसके बाद कहाँ तक है, तो यहाँ तक है, एच एच 12, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कोमा ऊपर लगा देंगे, और यहाँ पर आपको बोलते हैं ग्रेटर देन। आप ये जानना चाहते हैं कि 12 से कितने नीचे है या 12 से कितने ऊपर है, तो ठीक है, हम यहाँ पर अभी हम देते हैं 12 और डबल कोमा लगाएं और इंटर प्रेस किए। तो अब देखिए ग्रेटर देन, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन से 12 से नीचे 2 गो है, अगर 12 से ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कीजिए, सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, तो देखिए ये भी 2 ही आएगा। हम फिर से बता रहे हैं, अब हमारे पास हम आपको देंगे 14 से कितने नीचे है कितने ऊपर है, तो यहाँ पर हम अभी देखिएगा लेस देन है, लेस देन में हम शिफ्ट कर रहे हैं 14, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 14 से हमारे पास 4 गो नीचे था, 1, 2, 3, 4, अगर यहीं पर हम लेस देन और ग्रेटर देन को चेंज करेंगे तो अब रिजल्ट 0 आना चाहिए, 4, यहाँ से हम चेंज करते हैं 0, यानी कि 14 से ऊपर एक भी अंक नहीं। तो इस तरह से हम लोग स्टैटिकल फंक्शन को उपयोग करते हैं। आई होप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।